नमस्कार, राम राम सर। साथियों, एक बार फिर से आपका कृषि ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, अगली सीजन हेतु बीटी कॉटन बीज का एमआरपी निर्धारित कर दिया गया है, जो इस प्रकार है। नई दिल्ली केंद्रीय मंत्रालय ने कृषि केंद्रीय मंत्रालय ने 24 और 25 की खरीफ सीजन में बीटी कॉटन का बीज का एमआरपी निर्धारित कर दिया है। इसके तहत बोलगार्ड फर्स्ट इनकी एमआरपी है वो 864 रुपये प्रति पैकेट निर्धारित की गई है, और बोलगार्ड सेकेंड का एमआरपी है वो 635 रुपये प्रति पैकेट निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि आमतौर पर देश में जून में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के साथ ही कपास की खेती शुरू हो जाती है, मगर पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में कुछ भागों में इनकी बिजाई मध्य अप्रैल के मध्य में ही आरंभ हो जाती है। तो इसको देखते हुए बीटी कॉटन बीज का एमआरपी साथियों पिछले साल इस प्रकार रहा। 2018-19 में 710 रुपये प्रति पैकेट था, 2019-20 में 710 रुपये, और 20-21 में 730 रुपये, और 2021-22 में ये 767 रुपये, और 2022-23 में इनका रेट थी 810 रुपये, तथा 2023-24 में ये 853 रुपये प्रति पैकेट निर्धारित किया गया था। मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि इस मामले की एक समिति द्वारा की गई सिफारिश को ध्यान में रखते हुए बीटी कॉटन के बीज का एमआरपी निर्धारित किया गया है, जो बीटी कॉटन का बीज प्रत्येक पैकेट 475 ग्राम का होता है, जिसमें कम से कम 5% तथा अधिक से अधिक 10% गैर बीटी होती है, यानी नॉन बीटी होती है, उसका बीज शामिल किया जाता है। ये दाम वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नियमित हुआ है। साथियों, पिछले 2-3 सालों से बीटी कॉटन बीज में एमआरपी 5-6% का इजाफा हो रहा था, मगर इस बार केवल 1% की बढ़ोतरी हुई है। इसका मुख्य कारण है महाराष्ट्र कर्नाटक में सूखे का माहौल बना हुआ है, तथा कपास का घरेलू बाजार के भाव में गिरावट आई हुई है। किसानों की कुल क्षमता कमजोर हो गई, और भारत में आमतौर पर बोलगार्ड सेकेंड जो कॉटन बीज की खेती होती है वो गत वर्ष कपास बीज के उत्पादन में 30 से 40% की गिरावट आई, जबकि पिछला स्टॉक भी ज्यादा नहीं बचा है।